जी हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले जैसलमेर टूर की। जैसलमेर राजस्थान की बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है और आज के इस वीडियो में हम आपको जैसलमेर टूर की टोटल इन्फॉर्मेशन देने वाले। जैसे जैसलमेर कब जाए, कैसे जाए, कितने दिन रुके, कहां कहां पर घूमने जाए, डेजर्ट सफारी कैसे करें, कुल खर्चा कितना होगा, ऐसी और भी कई सारी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपके मन में जैसलमेर टूर से रिलेटिव कोई भी डाउट नहीं रहेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जैसलमेर जाने का बेस्ट टाइम कौन सा होगा। तो दोस्तों, जैसलमेर जाने का बेस्ट टाइम विंटर का माना जाता है, जब गर्मी कम होती है। बाकी गर्मी के मौसम में जैसलमेर में काफी गर्मी होती है, तो आप गर्मी के दिनों में जैसलमेर जाना अवॉइड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जैसलमेर कैसे पहुंचा जाए। तो दोस्तों, अगर आप ट्रेन से जैसलमेर आना चाहते हैं तो जैसलमेर में रेलवे स्टेशन मौजूद है, जो भारत के हर एक मेजर रेलवे स्टेशन से कनेक्टेड है। और दोस्तों, अगर आपको डायरेक्ट जैसलमेर के लिए ट्रेन नहीं मिले तो आप जोधपुर आ सकते हैं और जोधपुर से अपनी ट्रेन चेंज करके जैसलमेर तक जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से जैसलमेर आना चाहते हैं तो जैसलमेर में एयरपोर्ट मौजूद है, लेकिन वो एयरपोर्ट सिर्फ आर्मी के लिए है। इसीलिए जैसलमेर का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जोधपुर का है। जोधपुर से जैसलमेर की दूरी लगभग 260 किलोमीटर पड़ जाती है। बाकी दोस्तों, जोधपुर से जैसलमेर के लिए रेगुलर बसें चलती है, जिसमें एक व्यक्ति का 300 से 400 रुपए तक लिया जाता है। वही दोस्तों, अगर आप जोधपुर से जैसलमेर टैक्सी से आना चाहते हैं तो टैक्सी जोधपुर से जैसलमेर तक जाने का 10 से 12 हजार रुपए तक चार्ज कर सकती है। नहीं तो दोस्तों, आप बाई फ्लाइट जोधपुर आ सकते हैं और जोधपुर से बाई ट्रेन जैसलमेर तक आ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप बस से जैसलमेर आना चाहते हैं तो कहीं सारी सिटी से जैसलमेर के लिए डायरेक्ट बस भी चलती है, तो आप बाई बस भी जैसलमेर बड़ी आसानी से आ सकते हैं। और अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल लेकर आ रहे हैं तो भी बिना किसी दिक्कत के जैसलमेर आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको जैसलमेर आने के सभी तरीके बता दिए। पैसा आपका, चॉइस आपकी, आपके लिए जो भी तरीका बेस्ट हो उसके जरिए आप जैसलमेर आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जैसलमेर में आते ही बात आती है होटल बुकिंग की। तो दोस्तों, जैसलमेर में आपको होटल जैसलमेर रेलवे स्टेशन के आसपास में और जैसलमेर फोर्ट के आसपास में मिल जाएगी। वही जैसलमेर में होटल की प्राइस लगभग 500 से 700 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है और अलग अलग फैसिलिटी के हिसाब से वो 5 से 6000 रुपए तक भी जाती है। आपके बजट में जो भी होटल बेस्ट हो आप उसे बुक कर सकते हैं। होटल आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जैसलमेर की टूरिस्ट प्लेस के बारे में। तो दोस्तों, आप डे वन में जैसलमेर में घूमने जा सकते हैं जैसलमेर फोर्ट के लिए। दोस्तों, ये फोर्ट काफी बड़ा और काफी खूबसूरत फोर्ट है। इस फोर्ट में आपको कई सारे शॉपिंग करने के ऑप्शन भी मिलेंगे और ये भारत के कुछ ऐसे फोर्ट में से एक है जिसमें लोग रहते हो। वाकई दोस्तों, ये फोर्ट बहुत ही खूबसूरत है। इस फोर्ट में जाने पर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप हिस्ट्री में आ गए हो। और इस फोर्ट का कलर आपको पूरा गोल्डन कलर में देखने को मिलेगा, इसी कारण इस फोर्ट को गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। बाकी दोस्तों, ये फोर्ट बहुत ही गजब का है। अगर आप जैसलमेर में आते हैं तो जैसलमेर फोर्ट को विजिट करना तो बनता ही है। इसके अलावा दोस्तों, आप घूमने जा सकते हैं पटवो की हवेली के लिए। दोस्तों, ये प्लेस भी काफी शानदार प्लेस है। इस हवेली की दीवारें भी बिल्कुल गोल्डन कलर है और इसके ऊपर की गई नक्काशी वाकई बहुत ही खूबसूरत है। आप दोस्तों इस प्लेस पर भी घूमने जा सकते हैं। ये प्लेस भी बहुत ही खूबसूरत प्लेस है और जैसलमेर की वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्ट प्लेस में से एक है। इसी के साथ दोस्तों, आप डे वन में जैसलमेर में घूमने जा सकते हैं गड़ीसर लेक के लिए। दोस्तों, ये लेक भी काफी खूबसूरत लेक है और खासकर दोस्तों रेगिस्तान के बीच में होने के कारण ये लेक और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। बाकी दोस्तों, आप इस लेक में बोटिंग को भी इंजॉय कर सकते हैं और इस लेक के आसपास का नजारा भी बहुत ही खूबसूरत है। और दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस लेक में बोट राइड जरूर करें, जिसका काफी शानदार एक्सपीरियंस होता है। तो दोस्तों, आप डे वन में ये तीन प्लेस आराम से घूम सकते हैं। ये तीनों प्लेस बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। साथ ही दोस्तों, आप नाइट में जैसलमेर के लोकल मार्केट को भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ का लोकल मार्केट भी काफी खूबसूरत है और यहाँ से आप कुछ शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों आप डे टू में घूमने जा सकते हैं डेजर्ट कैंप के लिए। दोस्तों जैसलमेर में कई सारे डेजर्ट कैंप बने हुए, आपको जो भी कैंप अच्छा लगे उसमें आप जा सकते हैं। अगर दोस्तों मैं आपको कैंप की प्राइस के बारे में बताऊं तो कैंप की प्राइस 2000 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है और अलग अलग फैसिलिटी के हिसाब से वो 5 से 6 हजार रुपए तक भी जाती है। आप जो भी कैंप बुक कर रहे हैं उसमें आपका तीनों टाइम का खाना पीना इंक्लूड होता है। साथ ही दोस्तों आप जिस कैंप में रुक रहे हैं वो आपको रेगिस्तान में कैमल राइड भी कराएंगे जिसमें बहुत ही मजा आता है। इसी के साथ दोस्तों वो आपको रेगिस्तान की जिप राइड भी कराएंगे, ये भी काफी शानदार राइड होती है। इसी के साथ दोस्तों आप कैंप में डेजर्ट सफारी का भी लुत्फ उठा सकते हैं, ये भी काफी शानदार एक्सपीरियंस होता है। यानी कि दोस्तों आप दूसरे दिन में बहुत इंजॉय करने वाले, दूसरे दिन में आप बिल्कुल रेगिस्तान के बीच में कैंप में होंगे और दोस्तों कैंप में आप रात में राजस्थानी डिनर को भी इंजॉय कर सकते हैं और नाइट में कैंप में राजस्थान के लोकल डांस और कुछ हैरत अंगेज करतब भी होते हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों आप डेजर्ट कैंप बहुत इंजॉय करने वाले। डेजर्ट कैंप की बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं, आपके बजट में जो भी डेजर्ट कैंप फिट हो आप उसे बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप डे टू में जैसलमेर के डेजर्ट कैंप में स्टे करेंगे जिसमें बहुत ही मजा आता है और डे टू का आपका नाइट स्टे भी डेजर्ट कैंप में ही होगा। तो चलिए दोस्तों ये तो हो गई डे टू की बात। इसके बाद दोस्तों अगर आप 2 दिन जैसलमेर घूमना चाहते हैं तो आप 2 दिन जैसलमेर घूमने के बाद वापस अपनी सिटी के लिए जा सकते हैं, नहीं तो आप 3रे दिन में घूमने जा सकते हैं व्यास छतरी के लिए। दोस्तों ये प्लेस भी काफी खूबसूरत प्लेस है और ये भी जैसलमेर की एक शानदार टूरिस्ट प्लेस में से एक है। साथ ही दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जैसलमेर के वॉर म्यूजियम में जरूर जाएं। दोस्तों ये म्यूजियम बहुत ही खूबसूरत म्यूजियम है जिसमें आपको 1971 के वॉर की जानकारी मिलेगी जिसमें हमारे वीर सैनिकों ने पाकिस्तान की बिना बारात के ही बैंड बजा दी थी। इसलिए दोस्तों आप एक बार इस वॉर म्यूजियम को जरूर विजिट करें। इस वॉर म्यूजियम में आपको पाकिस्तान के भी टैंक देखने को मिलेंगे जिसे पाकिस्तानी सेना 1971 में छोड़कर भाग गई थी। तो दोस्तों इस म्यूजियम में जाना तो बनता ही है। इसके अलावा दोस्तों आप घूमने जा सकते हैं बड़ा बाग के लिए। दोस्तों ये प्लेस भी जैसलमेर की काफी खूबसूरत प्लेस है, आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके पास में 1 दिन और एक्स्ट्रा है तो आप तनोट माता के लिए भी जा सकते हैं। तनोट माता का मंदिर जैसलमेर से थोड़ा दूर आया हुआ है, अगर आपके पास में टाइम है तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और इस मंदिर में पूजा वगैरह सब आर्मी वाले ही करते हैं, तो आप यहाँ पर भी घूमने जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और श्रद्धा वाला टेंपल है, आप यहाँ पर भी घूमने जा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा टोटल टूर प्लान रहेगा 2 दिन और 3 दिन जैसलमेर घूमने का। बाकी दोस्तों अगर आप ज्यादा दिन जैसलमेर रुकना चाहते हैं तो भी रुक सकते हैं, और अगर आप इस टूर प्लान में कुछ भी बदलाव करना चाहते हैं तो कुछ बदलाव कर अपने लिए एक शानदार टूर प्लान रेडी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आपका जैसलमेर में घूमने का खर्चा कितना आ सकता है। तो दोस्तों अगर आप 2 लोग साथ में जैसलमेर घूमने जाते हैं तो दोस्तों आपका 2 लोगों का 2 नाइट का होटल का खर्चा लगभग 2000 रुपए के आसपास में आ सकता है, क्योंकि आपको 1000 रुपए में 1 नाइट के लिए होटल मिल जाएगी जिसमें आप 2 लोग आराम से रुक सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपका 2 लोगों का खाने पीने का खर्चा 2000 रुपए तक आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपका कैंपिंग का खर्चा लगभग 3000 रुपए के आसपास में आने वाला है। बाकी दोस्तों अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो आप जैसलमेर में घूमने के लिए वहाँ के लोकल ट्रांसपोर्टेशन जैसे ऑटो टैक्सी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप जैसलमेर में घूमने के लिए बाइक रेंट पर भी ले सकते हैं। आपको 500 से 600 रुपए में बाइक 1 दिन के लिए रेंट पर मिल जाएगी। तो दोस्तों ओवरऑल आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगभग 3 दिन का 1500 रुपए तक आ सकता है। अगर दोस्तों मैं आपको टोटल बजट के बारे में बताऊं तो दोस्तों आपका 2 लोगों का जैसलमेर घूमने का खर्चा 8500 रुपए के आसपास में आ सकता है। यानी कि दोस्तों एक व्यक्ति पर खर्चा लगभग 4 से 5 हजार रुपए के बीच में आने वाला है। बाकी दोस्तों आप चाहे तो जैसलमेर का टूर पैकेज भी ले सकते हैं जो आपको 6 से 7 हजार रुपए में एक व्यक्ति का मिलेगा। आपको अगर जैसलमेर का टूर पैकेज लेना है तो आप टूर पैकेज भी ले सकते हैं। आपके लिए जो भी बेस्ट तरीका हो उसके जरिए आप जैसलमेर घूम सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपके जैसलमेर टूर से रिलेटिव काफी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे जल्दी एक और नए टूर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।